व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हम विंटरलैंड में लोग यहां पर आए हुए हैं इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ, तो चलिए उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम का हमारा जो सवाल है ना, बड़ा हमने ढूंढ के निकाला है, और वो ये है कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जो कि रोज़ लोगों के गले भी काटता है और जेबें भी काटता है लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ती है। कौन सा ऐसा बंदा हो सकता है? आइए मेरे साथ और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियां अनायतुल्ला मेरा नाम है। मियां अनायतुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं फायर ब्रिगेड लाहौर का कैंट का इंचार्ज हूँ। अरे नाइस, तो आपने खुद भी ये काम किया है कि नहीं? मैंने खुद भी किया है और बहुत एडवेंचर काम किया हुआ है। मैंने सऊदीया में किया है और बहुत, ये तो खतरनाक कुछ भी नहीं है, मैं खतरनाक तीन इलाकों में। तो घर में भी लग जाए तो बड़ी खतरनाक बात है। बात है कि मैं ये मौका मुझे आज मिल गया कि मैं ये बताऊँ, अक्सर घरों में आग लगती है, क्यों लगती है? नहीं बताएं, मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी। बेहतियाती से लगती है और ख़वातीन को कहते हैं जी ये चूल्हा फट गया या सुई गैस ये झूठ है, उसको लगाई जाती है आग, चूल्हा खुला छोड़ दिया जाता है। और मैं उन बेरहम लोगों को कहता हूँ कि खुदा रहा अपनी ख़वातीन पर जुल्म ना किया करें, क्योंकि मेरा तो काम है, मैंने खुद देखा है, सास बहू का झगड़ा है, तेल का वो गैस का चूल्हा है ना, तो गैस खुली है, खुली थी, रात खुली रहेगी, इसने जलाई और पूरे कमरे में आग लगी, ऐसा नहीं होता और ये ना करें। आप मुझे बताएं कि इससे बचा कैसे जा सकता है? ये बचा इस तरह, आप जो खवातीन, अक्सर खवातीन को खुद भी आग लग जाते हैं, वो दुपट्टा गले में डालती हैं, किचन में देखें वो दुपट्टा ना लेके जाएं, घर में कोई नहीं है, दुपट्टा ना लेके जाएं, बेहतियाती से आग। वैसे भी किचन में कौन आता है? मर्द नहीं, मर्द तो नहीं आता, बेहतियाती, बच्चों को खैर ना दिया जाता है, माचिस दे देते हैं तो बच्चे आग लगा देते हैं। ये इसकी आग तो वैसे बहुत सारे लोग लगा लेते हैं जिंदगी में भी, उसका क्या करेंगे? आजकल तो वैसे आग लगी, आजकल जो ये तीलियां और आग लगाते हैं लोग, सास बहू नंद सुसर सास, इसका क्या किया जाए? इसका ये है कि मैं एक मुहावरा आपने सुना था मुकुला कि जब मैं सास, मैं जब बहू बनी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, तो अच्छी तो तुम खुद ही रह गई, खुद अपने आप को अच्छा गिन रही है, बाकी वो अच्छी है ही नहीं है, बाकी कोई दुनिया में अच्छा नहीं। देखें हमें इस्लाम जितनी ख़वातीन को इज़्ज़त इस्लाम में नहीं दी है ना, किसी मज़हब में इतनी ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं दी, और हमें चाहिए कि हम भी इज़्ज़त दें अपनी बहू बेटियों को, बहू को अगर बेटी समझ लें और बेटी बहू को अपनी माँ समझ लें तो लड़ाइयाँ ख़त्म। दैट्स ऑल। ठीक है, तो चले मुझे ये बताएं कि आजकल जो सिलेंडर आ रहे हैं, सिलेंडर से बड़े हादसे पेश आते हैं, तो कौन से सिलेंडर है जो इस्तेमाल करना चाहिए? लोगों ने जो अपने किचन में कैबिनेट के नीचे सिलेंडर रखे होते हैं, तो सिलेंडर को बाहर रखना ज़्यादा महफूज है या अंदर रखना? सिलेंडर को हमेशा जब आप यूज़ करने बाहर रखें, और सिलेंडर जो सबसे छोटा है यानी कि जिसमें 3 kg आता है, वो 8 kg उसका वेट होना चाहिए, और आप देखें वो तो 1-1 kg की इतनी हल्की चादर का वो बनाते हैं लोहे का, वो तो फट जाता है। कौन सी गैस इस्तेमाल होनी चाहिए? वो LPG जो सबसे अच्छी है वो की है, जिसको कहते हैं उनकी है, सबसे अच्छी है वो भी है। तो आप मुझे बताएं कि आप ज़िंदगी का कोई वाकया बताएं कि जहाँ आग लग गई हो और आप गए हो अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर, तो आपको डर लगा कि ये मैं कैसे करूँगा? बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, मैंने एक दफ़ा पुराना एयरपोर्ट पे बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ मुझे खौफ 8-10 दिन आता कि हम लाशें निकाल रहे थे कि एक मेरे हाथ में खोपड़ी आ गई, वो किसी ख़वातीन थी, उसकी चुटिया थी और मेरे हाथों को मगज़ लग गया, वो आज दिन तक मुझे वो वाकया नहीं भूलता, और जब मुझे याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इतने दिन, अच्छा देखें मेरी शायद आवाज़ आपके चैनल की वसात से पहुँच है, हमें नहीं चुना जाता, कोई वार्ड देना है जरूरत तकमा जरूरत हमें भी दे दें यार, हमने भी बड़ा कुछ किया है, हमने वो बच्चे बचाए, माएँ बाहर रो रही होती हैं और हम अंदर जाते हैं, और सर्विस में आग लगी थी नर्सरी में, मैंने 7 बच्चे नर्सरी में जान पे खेल के जिंदा बचाए, तो उस वक्त MS थी वहाँ की, उसने अप्रिशिएट किया था मुझे। तो आपकी कंपनी की तरफ से आपको अप्रिशिएट नहीं किया था? ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है और आप तो ख़त्म हो गया, आप तो जहाँ पहले होते थे सऊदी अरब वगैरह, सऊदी अरब में मैं गया था कंपनी, वहाँ तो बहुत इज्जत है, वहाँ तो अर्दली देते हैं, वर्दी आपको धोने के लिए, आपके कपड़े खाने के लिए, आपको हर चीज़ मुहैया के लिए, मशावरत करता है सदर,
कोई काम हो तो, यहाँ तो उसको कहते हैं घास काटो, फैर फैट तुझको कहते हैं घास काटो, आपका काम घास काटना, वेले बैठे हुए हो इतने की कर दे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हीरो पाकिस्तानी हैं, हम हीरो पाकिस्तानी बल्कि वर्ल्ड के हीरो हैं, जहाँ मर्जी बिल्कुल ऐसे हैं आप, हीरो हैं आप, एक किसी की जान बचाते हैं और ये बहुत बड़ा काम है, तो हम आपको जो है वो अपने चैनल की तरफ से हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। दुनिया न्यूज़ चैनल ये बड़ा मेरा फेवरेट है, क्योंकि बड़ा मुझे इन्होंने इंट्रोडक्शन कराई थी मेरी सबसे पहले। बहुत शुक्रिया आपका अनायत साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये कितना बड़ा काम ये कर रहे हैं कि लोगों की जानें बचा रहे हैं अपनी जान पर खेल कर। ये इस तरह के जो लोग होते हैं, जो रेस्क्यू टीमें होती हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें होती हैं, ये इट्स नॉट अ ईजी टास्क कि आपने आग में कूदना है, किसी को बचाना है, इतने सारे हादसात पेश आते हैं। ये हमारे हीरो हैं, रियल हीरो जिसे कहते हैं, इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको मोटिवेट, इनके मसले सुनने चाहिए, इनको वो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी जान पे खेल के किसी को बचाता है, बहुत रेयर केसेस हमारे सामने आते हैं, कोई डूब रहा हो तो लोग वैसे ही, ज़िंदगी में अगर कोई डूब रहा हो ज़िंदगी के मसलों में तो लोग कहते हैं और डुबाओ उसको, तो बेहतर ये है कि ये हर चीज़ में जो है ना वो सवाब भी है, और हर चीज़ में जो है ना वो लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से इनको सलाम कि ये इतना बड़ा काम करते हैं और बड़ा ये तकलीफ दे काम है, हम खून देखते हैं तो हम फेंट हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है, तो इन लोगों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा, आपका क्या नाम है बताओ? माइक चाहिए आपको? ये देखो, नहीं चाहिए, बोलो। मामा चाहिए। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, क्या करती हैं आयशा? मैं मैरिड हूँ। मैरिड है। ये आपका बच्चा है? हाँ जी। सारे बच्चे ही रोने लग गए हैं, जल्दी से सवाल कर लेती हूँ मैं इनसे। मुझे बताएं वो कौन बंदा है जो रोज़ गले भी काटता है और जेबें भी काटता है लेकिन लोगों की, उसको पुलिस नहीं पकड़ती, लेकिन लिए खवातीन से रिलेटेड है एक बंदा है जिससे जाके औरतें लड़ाई भी बड़ी करती हैं। पता नहीं कौन हो सकता है। स्पेशली ईदों पे। ईदों पे? अभी भी हिंट नहीं मिला। इतना ही बताओ। आप यहीं से, लाहौर से ताल्लुक है आपका? सियालकोट से। सियालकोट से? हाँ जी। अरे तो सियालकोट तो वैसे अब मोटरवे बन गई है, बड़ी करीब पड़ती है अब तो। आज ही वापस चले जाएंगे? हाँ जी, वैसे घूमने आए हैं बच्चों के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जो है ना थोड़ा बता, एंजॉय वगैरह करना। थैंक यू। चलिए आप मामा के पास जाए। दुबई से आया ना? अच्छा, आप दुबई से सीधा यहीं आ गए हैं? थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि सियालकोट से इनका ताल्लुक था और ये यहाँ पर आए हुए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने, और इतना मैंने हिंट दिया कि आप लोगों को पता लग गया होगा लेकिन इन लोगों को पता नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, आप इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्रा है। इफ्रा, और आपका? डॉक्टर अनीज़ा। डॉक्टर अनीज़ा, आप MBBS डॉक्टर हैं? जी जी बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन किस में आपकी? अभी इन प्रोसेस है। अच्छा, इन प्रोसेस है, ठीक है। इफ्रा, आप क्या करती हैं? मैं भी डॉक्टर हूँ। आप भी डॉक्टर हैं? आप, मुझे लग रहा है बड़ी थकी भी लग रही हैं आज। नहीं, आई एम फ्रेश। अच्छा, आप फ्रेश हैं। मुझे ये बताएं कि आज प्लान कैसे बना है यहाँ पर आने का? मेरी सिस्टर आई थी लाहौर मुझसे मिलने, तो मैंने कहा कि मैंने अभी तक देखा नहीं है, ऑल दो आई लिव इन, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ प्लान। आप मैरिड हैं? जी। आप भी मैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, आप अनमैरिड हैं, तो आप कहाँ से आई हैं? सरगोधा से आई हैं। अभी माल्टों का सीज़न आएगा दिसंबर में जाके, है ना, लाती हैं आपके लिए बोरियाँ? भिजवाते हैं। अच्छा, जो एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए आपकी चीज़ आपके पास आ जाती है ना, फिर घर वाले ना बांटना शुरू कर देते हैं मोहल्लों में, और पता नहीं कहाँ के सबको प्रोवाइड हो जाए। आप डॉक्टर बन रही हैं तो यही करना चाहती थी, डॉक्टर ही बनना चाहती थी? आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। पैशनेट थी आप इसके बारे में? चले, सवाल है आज का हमारा, हम आपकी कॉमन सेंस भी टेस्ट करते हैं। एक बंदा है जो कि रोज़ गले भी काटता है और जेबें भी काटता है, वो कौन है? उसको पुलिस भी नहीं पकड़ती है। सोचे तो सही। चले हिंट देती हूँ, खवातीन से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। आप मुझे बताएं कि आपकी कभी दर्जी से लड़ाई हुई है? आपके हो जाती है टाइम पे ना देने पे। आपकी हुई है कभी? अपनी टाइम होती है। मेरी तो बहुत होती है, मेरा तो दिल चाहता है मैं इसका गला ही दबा दूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आपने सवाल का जवाब दे दिया, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप दोनों? मैसेज बस यही है कि दूसरों के लिए आसानी मारनी चाहिए। बीइंग हमारे प्रोफेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि सीनियर्स जो है ना वो अपने जूनियर्स को सिखाने से ज़्यादा ना उनको डिग्रेड करना करते हैं। अच्छे सीनियर्स के साथ काम करके हम इंजॉय भी करते हैं, वर्क प्लेस भी पीसफुल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा
मतलब सीनियर जो है टांगे खींची जाती हैं, सिक हो जाते हैं, नेक पुलिंग बहुत बहुत ज़्यादा है। आपके जो सीनियर्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं? नहीं, सेम है हर जगह पे, पाकिस्तान का सेम है, सेम है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं डॉक्टर्स और आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बड़ी हैरान कन बात सुनी, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक डॉक्टर की सैलरी जो है वाकई वो 46,000 होती है? आई एम गेटिंग 50 फॉर 8 आवर्स। 50,000, मतलब एक आप पढ़ाई में कितने पैसे लगते हैं आपके MBBS के, तो ये कैसे आपको मिले वापस? मैं वैसे ये मैसेज दूंगी कि जो पेरेंट्स अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो वो उससे बेहतर है कि वो बाहर के मुल्क भेज दें। इतने करोड़ लगा के वो बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, और जब भी सोसाइटी में आते हैं ना, जॉब्स बहुत रेयर है हमारी फील्ड में। लाइक वो एक डॉक्टर बनना हर एक हर दूसरे तीसरे बच्चे का ड्रीम ज़रूर होता है, लेकिन करोड़ों इन्वेस्ट करके डॉक्टर पर आना, फिर 25 to 30 से स्टार्ट करना, 50 जिसको मिल जाए वो लकी होता है। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब इवन आफ्टर दैट मच स्ट्रगल। आप मुझे बताएं कि 50,000 तो कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम कितने डॉक्टर्स लेते हैं पैसे? लाइक आई एम फ्रॉम सरगोधा, तो सरगोधा में मैक्स 75 है। मैंने तो सुना है कि जो थोड़ा छोटे शहर होते हैं या गांव वगैरह भी होते हैं, उधर डॉक्टर्स को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। वहाँ पे मिलने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पे लोग जो है ना फिर मेल प्रैक्टिस करते हैं। लाइक आप किसी और डॉक्टर के नेम पे वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अनपढ़ लोग होते हैं यानी, लेकिन उतना उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि रूरल एरियाज़ में ना तो लैब्स हैं, ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन्स या बाकी फैसिलिटीज़ हैं। आप सिर्फ मतलब OPD बेसिस पे पेशेंट को देख रहे होते हैं, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं होती। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, सेम हियर व्यूअर्स, आपने देखा इनसे मेरी बात हुई और दोनों डॉक्टर हैं, इस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, और मुझे बहुत हैरानगी हुई थी, मुझे नहीं इतना आइडिया था कि एक डॉक्टर जो है वो उसको 25-30 हज़ार मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप इतने पैसे लगाकर, कुछ लोग ज़मीनें बेच देते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं, घर बेचते हैं कि बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर बना के ये आपको इनकम मिल रही है, फिर नाइट ड्यूटीज़ और फिर जानों को देखना, मतलब इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर लोग बातें भी करते हैं, अगर अल्लाह रहम करे जो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग जो है वो डॉक्टर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने नहीं बचाया। देखिए, बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, तो डॉक्टर्स पर भी जो है वो रहम करना चाहिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को इस वक्त मेरी आवाज़ आ रही है, देखें कि डॉक्टर्स जो है वो कितने पैसे, कितने कम पैसे लेते हैं, मतलब उनके हिसाब से ये बहुत कम पैसे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, हर एक की एक नई स्टोरी है, हर एक से कुछ ना कुछ नज़र आता है, सुनने को मिलता है, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुक्तसिद एहसान। मुक्तसिर मुक्तसिद 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 ऐसा लग रहा है आज अरबी का ही लेक्चर लेने आ गई हूँ। आपका क्या नाम है? इहसानुल्लाह। इहसानुल्लाह, मुक्तसिद, इतना मुश्किल नाम रखने का क्या मकसद था? तो याद एक बार भूले तो नहीं, एटलीस्ट। तो अम्मा ने रखा है, अब्बा ने रखा है, या किसी दादा ने रखा? अब्बा ने रखा है। अब्बा, आप इनके फादर हैं? माशाल्लाह, बेटा है आपका, लगता है आप मुल्तान से आए हैं? नहीं, हम कलूरकोट बकर से। बकर से आए हैं, ये वो वाली पट्टी नहीं है मुल्तान वाली? नहीं, वो उससे आगे है। अच्छा, उससे आगे। चले, आप बताएं कि मुक्तसिद आपके नाम का मीनिंग क्या है वैसे? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। चलते भी हैं आप? चलते हैं। नाम का असर आपकी ज़िंदगी में बड़ा होता है? एटलीस्ट कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? मेडिकल स्टूडेंट, सेकंड ईयर। मेडिकल स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर MBBS कर रहे हैं। क्या प्लान है आगे स्पेशलाइजेशन का, जब टाइम आएगा तो किस में करनी है? कार्डियक सर्जन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, आप क्या करते हैं खुद? ज़मींदारा करते हैं जी, खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी करते हैं। ज़मींदारा वाले लोग जो होते हैं वो चाहते हैं उनकी आगे बच्चे भी ये करें, तो आपने नहीं कहा इनसे? मेरे दो बेटे हैं ना, वो दूसरा फोर्थ ईयर में MBBS कर रहा है, ये सेकंड ईयर में। दोनों को डॉक्टर बनाने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गया, लोग ही बीमार है ने खानदान में, ये ना सारे एक ही पट्टी पे थोड़ी चलते हैं ना। अच्छा, तो आपका फिर आगे जिम्मेदारा कौन संभालेगा? वो तो ऑलरेडी हाँ मैंने संभाला हुआ है ना, ये तो वैसे भी आज़ाद है। अच्छा, तो कोई प्लान, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, लेकिन वो होता है ना कि आप सोचते हैं आगे कि जिम्मेदारा कौन देखेगा, तो आपने नहीं सोचा? बहुत तरीके होते हैं देखने के, और बंदे भी होते हैं जो मैनेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खुद करें, लेकिन जो प्रोफेशन जो हमें पसंद था वो हम बोलो डॉक्टरी का, MBBS का। ठीक है, सवाल है हमारा आज का, एक कॉमन सेंस का या पहेली बूझ लें। एक बंदा है जो रोज़ लोगों के गले और जेबें काटता है, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ती। दर्जी होगा। बिल्कुल सही जवाब, आपका दिमाग बड़ा तेज़ चल रहा है, इसीलिए डॉक्टर है ना। तेज़ दिमाग चल रहा है। एहसान साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस जी, अमन का पैगाम होना चाहिए, ये लड़ाई वगैरह ये नहीं होती, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो चेंज आएगा, माशरे में चेंज आए तो इंशाल्लाह आसानी होगी। आप क्या कहेंगे मुक्तसिद?
पैगाम यही है कि जो खुद को सही लगता है गो फॉर इट, लोगों की तरफ देखते रहेंगे तो वहीं कहीं वहीं रह जाएंगे। बड़ा अच्छा पैगाम है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। जैसे आपने देखा कि इन्होंने पैगाम बड़ा अच्छा दिया, अपने नाम की तरह पैगाम भी बड़ा डिफरेंट दिया कि अगर आप लोगों को देखते रहेंगे तो वहीं पर रह जाएंगे, लोगों को आपने नहीं देखना है, अपने आप की सुननी है, अपने फैमिली की देखना है कि वो आपको क्या कर रहे हैं, आपने काम क्या करना है, अपनी सोच से आपने काम लेना है। इधर उधर आप जितने मशवरे लेंगे उतने कन्फ्यूज़ होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम जिस जगह पे हैं लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लोगों का रश है, लोग आए हुए अपनी फैमिलीज के साथ, बढ़ते हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इकबाल यूसुफ। आपका? असगर अली। असगर अली, क्या करते हैं आप दोनों? हम लेक्चरर हैं। वाह जबरदस्त, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी जानदार लग रही है कि आप होंगे यकीनन दोनों। यस। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग और आप? उर्दू। उर्दू, अरे जबरदस्त। कौन सी आपको शायर राइटर्स पसंद है और बच्चों को सजेस्ट करेंगे आपके ये बुक्स भी पढ़नी चाहिए और ये जो है ना इन शायर जो है उनको पढ़ने चाहिए? मेरे ख्याल में जो है ना अहमद नदीम कासमी साहब जो हैं उनके मतलब जो तहरीरें ज़रूर पढ़नी चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अहमद फराज़ को पढ़ें, ठीक है जी, शायर लुधियानवी को पढ़ें, फैज़ को पढ़ें, क्या बात ज़बरदस्त। आप खुद भी पढ़ते हैं? डेफिनेटली। आप खुद भी शायर? यस। हमारे आपको पता है आजकल बच्चे कैसे कैसे शेर बना रहे हैं, अलमारियों वाले, दरख्तों वाले, पता नहीं कैसे, मतलब ये जिनके आप नाम ले रहे हैं इनके खूबसूरत शेर हुआ करते थे, अगर उनके शेर में अलमारी आ भी गई है तो वो समझ में आती थी कि ये है, इसका कोई मीनिंग है। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया। आप पढ़ाते हैं अकाउंटिंग, ये जो बी कॉम वाले लोग होते हैं या अकाउंटिंग वाले, इनके ऊपर सप्ली फ़र्ज कर दी गई है क्या? इंशाल्लाह वो बच्चे अगर मेरे स्टूडेंट होते हैं तो कभी उनकी सप्ली ना आती, देख लें। हाँ जी, ऑब्वियसली इसमें ये है कि शुरू में बच्चे स्टार्टअप में इसको बहुत इजी कंसीडर करते हैं और वो समझते हैं कि जस्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बट जब आप स्टार्ट करते हैं उसको इनिशिएट करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, एफर्ट रिक्वायर्ड है। इस वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो सप्ली आप पर फर्ज है। अगर आप शुरू से एक कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करें तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी कुछ यही पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग से ज़्यादा लोग अकाउंटिंग से डराते हैं जबकि जो इकोनॉमिक्स है और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एग्जैक्टली, अकाउंटिंग तो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, एक बार लेआउट स्ट्रक्चर आपने सीख लिया वो फिर रेपिटेटिव है नेचर में। लेकिन मुझे अगर थोड़ा सा याद हो जर्नल लेजर इसी में ही हुआ करता था। जर्नल्स की अलग से 6 टाइप्स हैं, लेजर की अलग से 3 टाइप्स हैं, पूरा अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट। रहने दे, मैं ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं जाना चाहती। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप, हमारा आज का सवाल है कॉमन सेंस का सवाल है कह लें या पहेली कह लें, एक बंदा है जो कि रोज़ गले काटते और जेबें भी काटता है लेकिन पुलिस नहीं उसको पकड़ती, दर्जी का काम है? अरे बड़ा बिल्कुल सही जवाब। आजकल आज तो लग रहा है सबकी जो है वो दिमाग बड़ा तेज़ चल रहा है। चले बताएं मुझे कि आप क्या सुनाएंगे, आप खुद भी शायर हैं। उल्फत ने जिंदगी में लम्हे अजब दिखाए, उल्फत ने जिंदगी में लम्हे अजब दिखाए, आंसू छलक गए हैं हम जब भी मुस्कुराए, इतने बड़े जहां में कोई तो दर्द जाने, इतने बड़े जहां में कोई तो दर्द जाने, हमको तो अपने भी ए दिल आए नज़र पर आए, हमने हजार रोका फिर भी बहक गया है, ए दोस्त हम लाख संभले फिर भी डगमगाए, बरसों असीर रहकर इन जुल्फों के पेचो खम में, बरसों असीर रहकर इन जुल्फों के पेचो खम में, इन महरुखों के दिल में असगर ना तुम समाए। अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात। मुझे बताएं कि जो शायर हजरात होते हैं, आपकी जाती है यानी कि आप खुद भी शायर हैं? जी जी बिल्कुल। शायर हजरात होते हैं ये बड़े हुसन परस्त होते हैं? हुसन परस्ती होती तो शायरी होती है, अगर हुसन परस्ती नहीं तो शायरी कहाँ? वाकई फुल डेफिनेट दिल फेंक भी होते हैं वो फिर शायर नहीं होते। वो कुछ और होते हैं। अच्छा आपको एक पैगाम देना चाहेंगे? बस वर्क हार्ड करें, पाकिस्तान में आपको पता है सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, इस वजह से शुरू से ही आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अर्न करना भी सीखें और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, अपने पेरेंट्स पर ज़्यादा बर्डन ना बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
व्यूअर्स, आपने सुना इनका शायरी भी सुनी और इसके साथ साथ जो है वो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में थोड़ा रहना डिफ़िकल्ट है, तो आप पढ़ाई तो करें लेकिन साथ साथ कोशिश करें आपने अर्निंग भी करनी है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है पढ़ाइयाँ भी और बहुत कुछ। हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेरा। सुमेरा, और आपका क्या नाम? शुबाना। आपका क्या नाम है, आप बोलती हो? बोलो क्या नाम, बताओ नाम क्या है? हिबा बोलो। हिबा ये फ़ोन मुझे दे दें, मैं ले लूँ? नहीं, देखा आजकल तो बच्चों की ना जान है फ़ोन में, फ़ोन नहीं दे सकते। सारा ही नहीं है, सारा ही नहीं है। आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी है। अब्दुल हादी कौन सी क्लास में है? नर्सरी। नर्सरी में। ये आपके बेटे हैं? नहीं, ये भतीजा है मेरा। अच्छा, आपकी शादी हुई भी है? हाँ जी, मेरी दो बेटियाँ हैं। बेटियाँ हैं, अच्छा चलें। आज आपका प्लान बना है, फैमिली के साथ आई हैं, इंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल। हाँ, पीछे रोटी हांडी की पड़ी हुई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्की बात है, वरना होता है ना, माओ को तो टेंशन लगी रहती है, हाय हाय घर से बाहर ले आए हैं, पीछे कपड़े पड़े हैं, हांडी पड़ी है, पता नहीं क्या कुछ पड़ा है। फैमिली आज सभी लोग आए हैं, मैं आज आप छुट्टी पे हैं? हाँ जी बिल्कुल। करके आप सारे काम कर ले? जी कर लेते हैं। आपको लगता है कि घर के सारे काम मतलब ख़वातीन को खुद करने चाहिए या कोई हेल्प भी होनी चाहिए? नहीं, हेल्प ले लेनी चाहिए, अदरवाइज मतलब ये कि जैसे कुकिंग है तो वो खुद ही करनी चाहिए ना, वो मेड्स वगैरह से नहीं करवा? नहीं, कुकिंग आप खुद करें, बाकी आप हेल्प ले सकती हैं दूसरे काम, घर की सफाई, कपड़े धोने, प्रेस करने, ये सारा काम आप हेल्प ले, आप हेल्प कर सकते हैं। चलिए बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि दोनों हाउस वाइफ ही हैं? हाँ जी, हम हाउस। आप भी हाउस वाइफ? जी हाउस। बहनें लग रही हैं मुझे? बहनें भी हैं, वैसे हमारा नंद भाभी का रिश्ता है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है। कौन नंद है, कौन भाभी है? ये मेरी भाभी है, मैं नंद की। तो एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली हम ना सेम कपड़े पहनते हैं। अच्छा। तो कुछ आज मेरी मतलब तबीयत अच्छी नहीं थी, तो वो मैं ज़रा एम्ब्रॉयडर्ड से थोड़ा घबरा रही थी, तो मैंने फिर ज़रा कैजुअल सा ड्रेस ले लिया। अदरवाइज़ मैं पहले उनको कह रही हूँ कि अगर हमने आज सेम पहने होते ना तो और अच्छा हो जाता। आप मुझे बताएं कि ये आपकी नंद है, आपने इनसे डरना नहीं है, सच सच बताएं ये कैसी हैं? ये बहुत अच्छी हैं। कजन्स तो नहीं है आपस में आप? नहीं, कजन्स तो नहीं है। ये आप मुझे बताएं, ये जो नंद भाभी का रिश्ता होता है, ये तो बड़ा इनसिक्योर सा रिश्ता होता है, कोई पता नहीं है नंद कब बदल जाए। नंद को आपने खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, उन्हें क्या मैं आई हूँ तो तुसी मैंने पूछिया नहीं, तो ऐसा जब हो जाए तो फिर कैसे नंद को खुश कैसे रखा जाए, इसके दो तरीके बताएं मुझे। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि मैं, ये बहुत अच्छी हैं, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला हमें। ये अपने घर होती हैं? नहीं नहीं, हम इकट्ठे रहते हैं। फैमिली। अच्छा। हम तीन भाई हैं मेरे और मैं एक ही सिस्टर हूँ, तीनों भाई और मैं हम एक ही घर में रहते हैं मामा बाबा के साथ। तो आप अपने मियाँ के साथ नहीं रहती? नहीं। अच्छा ठीक है, चलें। वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। आउट ऑफ कंट्री होती हैं। होती हूँ ना। आप मुझे बताएं कि कभी कोई इशू नहीं आया आपको? नहीं, कभी भी नहीं आया, अगर कभी आया तो हम बता देते हैं। इसका क्रेडिट किसको दिया जाए, नंद को दिया जाए या आपको दिया जाए? ज़ाहिर है ना, कभी उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा। हम दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। आप मुझे बताएं, बाजी की तरह मतलब ट्रीट करती हैं और मैं इन्हें छोटी बहनों की तरह ट्रीट करती हूँ। चले भाभी वाला चले। आप अगर आपको कभी ऐसा होता है ना, हस्बैंड से कभी कोई मसले हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो आपने कभी इनसे डिस्कस किया या आपके जहन में ये बात आ गई कि ये हैं तो उन्हीं की बहन, इन्होंने मेरा कौन सा साथ देना है? मैं इनसे डिस्कस कर लेती हूँ, ये कर देती हूँ। ये क्या कहती, तो ये क्या कहती हैं, ये आपका साथ देती हैं, कहती हैं कि नहीं आप गलत हैं? फिलहाल तो ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई, अगर कोई होगी तो मेरा तो यही सोचना है कि ये मेरा साथ देंगी। ये भाई को तो कभी सब इकट्ठे बैठे हो ना तो लाउड से इसको बोल दें ना, तो मैं उसको फिर अलग से डांटती हूँ कि देखो ये आपकी आपस की बात होती है, इसको थोड़ा सा जब सारे इकट्ठे बैठे होते हैं तो लाउड मत बोलो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी तरबियत है, आपने शायद अपने बड़ों को ऐसे देखा होगा तो आपने आगे ट्रांसफर किया। बाबा ने ऐसे ही सिखाया है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ नंदे होती हैं जिनके ये मतलब वो ड्रामे देखती हैं या आजकल बदनाम किया हुआ है नंदे का, जरूरी तो नहीं कि नंदे सारी ऐसी हों। आप ब्लेस्ड हैं, ये आप ब्लेस्ड हैं जिनकी नंदे ऐसी हैं। चले अल्लाह करे जो है वो आप ऐसे ही आपका रिश्ता बरकरार रहे। हम एक भाभी मेरी आउट ऑफ कंट्री होती हैं,
तो वो आजकल आई हुई हैं बच्चों को, तो उन्हीं को आज हम लोग लेके आए कि उन्होंने वापस चले जाना है, तो इस वजह से चले इनको थोड़ा सा ना वहाँ फिरा लें, फिरा दें, और बाकी हम फैमिली सारे इकट्ठे ही होते हैं। हाँ ठीक है, आज हमारा एक पहेली टाइप कह लें वो है, देखते हैं आपको आते हैं कि नहीं। वो कौन है जो दिन भर लोगों की गले और जेबें काटता है लेकिन उसे पुलिस भी नहीं पकड़ती? कसाई। हाँ ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे इसका एक और जवाब भी था, वो खवातीन से रिलेटेड था, लेकिन ये जवाब आपने बड़ा दुरुस्त दिया। सही। चलिए, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस पैगाम यही है कि हमेशा हर किसी से मोहब्बत इज्जत एहतराम से पेश आएँ आप, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं है, इनसे ज़िंदगी अपनी ख़राब मत करें और एक अच्छी ज़िंदगी अच्छी सोच के साथ गुजारें आप। चलिए, आप भी यही कहेंगी? जी, मेरा भी यही चीज़। बहुत शुक्रिया। आप कुछ सुनाएंगे, कोई पोईम आती है? अरे सुना दो, कोई पोईम आती है आपको? ए बी सी सुना दें। चले ए बी सी सुना दें। शर्म आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये है नंद भाभी का रिश्ता और इतना खूबसूरत रिश्ता है ये, अगर अगर आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से चला लें, क्योंकि वो जो होता है ना अक्सर फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने बाहर दोस्तें नहीं बनानी है, लड़कियां नहीं आपने दोस्तें बनानी क्योंकि बाहर लोगों का एतबार नहीं है, तो अगर आपकी भाभी ही आपकी दोस्त बन जाए, यानी कि है तो वो भी अननोन, अगर आपकी भाभी आपकी नंद ही आपकी दोस्त बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो ये रिश्ता जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको इस रिश्ते को रिश्ते की तरह ही समझें। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, आप उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? सैयद मुक्तदा। सैयद मुक्तदा। मुक्तदर, ठीक है। मुकद्दर वाला? नहीं, रहनुमा, लीडर। अच्छा, रहनुमा, लीडर हैं भी आप में, क्वालिटी है? जी जी, मैं टीचर हूँ, तो टीचर। आप तो भी टीचर हैं? चलें, तो आप बताएं मुझे कि आजकल तो जो मेल टीचर्स हैं उनके ऊपर तो केसेस ही बड़े हो जाते हैं, कोई हरेसमेंट का केस, कभी कोई केस, अगर टीचर किसी फीमेल से मोहब्बत से बात कर ले तो समझो कि टीचर में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? जी देखें, मैं समझता हूँ कि इसमें मेल टीचर का बहुत बड़ा हाथ है कि वो कैसे खुद को लेके चलता है। ऑब्वियसली टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन उसका एटीट्यूड इतना फर्म होना चाहिए कि अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी ना दे। मुझे 11 साल हो गए हैं टीचिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी इस किस्म का कोई केस या वाकया नहीं हुआ, और मैं पढ़ा रहा हूँ रिसेंटली उसमें। आप मुझे बताएं कि ये ए लेवल्स, ओ लेवल्स, 9th 10th, इनमें फ़र्क क्या है और विच वन इज़ बेटर, मतलब आपको करना क्या चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को? ठीक है, एक्चुअली इसमें ना एक तो बड़ा ज़्यादा ना नॉलेज की हमारे पास कमी है पेरेंट्स को, वो उन्हें पता नहीं है कि ये कौन सी फील्ड बच्चे के लिए ठीक है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी ज़्यादा इस तरीके की हुई हुई है, यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह बहुत है, उस केस में जो बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स करते हैं उनके लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना, फिर वहाँ से वो अपने कैरियर को कंटिन्यू वहाँ पर कर लेते हैं, तो ये ओ लेवल ए लेवल बेसिकली ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश की आपके के लिए सर्टिफिकेशन है, जिसके बाद बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर उन्हें अपना कैरियर आगे परसू करना इजी हो जाता है। अच्छा, मेरे लिए यहाँ पे एक बहुत क्वेश्चन है, हमारे जाहिर है आपकी भी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, मेरी भी फैमिली में, अगर हम थोड़ी रियलिस्टिक होकर बात करें कि जो बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं यूके में हैं या अमेरिका में हैं, वो स्टूडेंट साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ ऐसी जॉब्स कर रहे हैं कि जिनको सोच के जो है ना वो दिल को कुछ होता है कि ये हमारे बच्चे वहाँ जा कर पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये वाली नौकरियाँ कर रहे हैं, तो जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मसला है कि अगर वो किसी जगह पे एज ए वेटर काम कर लेंगे या एज ए कुछ भी नौकरी कर लेंगे और साथ साथ जो है वो अपने अखराजात खुद उठाएं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, ये हमारा माइंडसेट थोड़ा अजीब सा नहीं है? मैं आपकी इस बात से इसलिए डिसएग्री करूँगा कि देखें हमारे पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज रेट है ना वो बहुत कम है अगर हम उसका कंपेरिज़न करें बाहर में। अब अगर आप कैनेडा की बात ही करें तो वहाँ पर मिनिमम जो वेजेज़ हैं वो $20 पर आवर हैं। अब बच्चा जब वहाँ पे काम करता है तो उसको मोटिवेशन ये नज़र आ रही होती है कि मुझे एटलीस्ट इसके बदले में रिटर्न तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आप कह लें कि इवन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी एक बंदा आम से जॉब करता है उसको 25 से 30 हज़ार मिलता है, वो उसमें अपना कैरियर क्या अपना खर्चा नहीं चला पाएगा जो हालात हैं। यानी कि आप कहते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, बच्चों को बाहर के मुल्क में चले जाना चाहिए? मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी आजकल रिसेंटली यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, इवन फर्स्ट टाइम आपको फुल फी पे भी कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर एडमिशन मिलता है तो आप फर्स्ट टाइम पे करके जाएँ, और उसके बाद जब वहाँ आपने एजुकेशन लोगे, जब वहाँ से पढ़े हुए होगे तो आपको अपना कैरियर परसू करने में आसानी रहेगी। व्हाट अबाउट यू, आप एज ए टीचर अपने बारे में क्या सोचते हैं जो हालात हैं, क्योंकि जाहिर है ज़्यादा लड़के इस बारे में सोच रहे हैं, लड़कियाँ तो बेचारी
सोच रही हैं कि और कुछ नहीं होना तो हमारी शादी हो जानी है। तो लड़की अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में रहना, जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल हो गया, आपने कुछ सोचा है कि एज ए टीचर मैं कहीं पे अप्लाई करूं और मुझे भी बाहर निकल जाना चाहिए? जी, टाइम टू टाइम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अप्लाई तो किया हुआ है। मेरी सिस्टर भी एक्चुअली कनाडा में होती हैं, शी इज़ रेजिडेंट ऑफ देयर, तो मैंने पीआर अप्लाई की हुई है खुद भी विद फैमिली, तो अगर तो हो जाता है कुछ तो इंशाल्लाह आप भी चले जाएं। जी, कोई 2-3 साल का है कि और मजीद एक्सपीरियंस लगा के फिर इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। हमारा आज के सवाल है कॉमन सेंस का, या पहेली कह लें, वो कौन सा ऐसा बंदा है जो रोज़ गले काटता है, जेबें भी काटता है, लेकिन उसको पुलिस नहीं पकड़ती? वो तो हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं। नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई मैसेज देंगे आप? जी, मैसेज यही देंगे कि ज़्यादा मेहनत करें एज अ स्टूडेंट, अपना टाइम ना वेस्ट करें, मोबाइल यूजेज बच्चे कम कर दें, और अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपको फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है आजकल, तो जितने ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आगे निकल जाएंगे, बस यही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आज का हमारा सवाल कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जो कि रोज़ लोगों के गले भी काटता है और जेबें भी, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ती है। बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन रजा। हसन रजा, आपका क्या नाम है? हुसैन। अच्छा, हसन हुसैन, आप बताएं दोनों कौन सी क्लास में हैं? मैं हूँ 4 में और ये है प्ले क्लास में। प्ले क्लास में छोटे हैं आप। मुझे बताएं हसन, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं बड़े होकर अभी कुछ सोचा नहीं है। नहीं सोचा आपने अभी, आप गो विद द फ्लो चल रहे हैं। कौन सी क्लास में हैं? मैं 4 क्लास में हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको कौन ज़्यादा इंस्पायर करता है फैमिली में, अपने घर में, किससे ज़्यादा आप इंस्पायर होते हैं? मतलब आप कहते हैं कि मैं इस जैसा बनूँगा पर्सनालिटी में, इस जैसा बनूँगा, जैसे कि पापा ने कहा है कि बड़े हो के आप मेरा स्कूल चलाना, जैसे जैसे आपने क्या करना है? बड़े हो के पहले मैंने सोचा था कि क्रिकेटर बनूँगा, लेकिन अब दिल नहीं करता खेलने का। क्यों? अब बस थक जाता हूँ। जाते हैं, स्टेमिना कम हो गया। हाँ जी। अच्छा, चलें मुझे बताएं, हमारा एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। एक बंदा है, ठीक है, पहेली है, एक बंदा है वो लोगों के रोज़ गले भी काटता है और पॉकेट्स भी काटता है, वो कौन बंदा है और उसको पुलिस भी नहीं पकड़ती? दर्जी। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको पता था या आपने सुन लिया जवाब कहीं? सुना नहीं, मुझे पहले से पता, पता था। चले, थैंक यू सो मच। आप कुछ सुनाएंगे? पोइम आती है आपको? सुनाइए। ट्विंकल ट्विंकल आती है? ट्विंकल ट्विंकल नहीं, कुछ और आता है, ABC आती है? सुनाइए। बस। अच्छा, आप कुछ सुनाएंगे? पोइम सुना दो, पोइम। आप कोई मिली नगमा भी सुना सकते हैं, दिल दिल पाकिस्तान भी सुना सकते हैं। मैं फिर क्या नाम है, कौमी तराना सुना दें। पाक सर जमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने हज़्बे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सर ज़मीन का निज़ाम, कुव्वते कुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद, शादबाद मंजले मुराद, परचमे सितारा वो हिलाल, रहमते तरक्की ओ कमाल, तर्जमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साए खुदाए जुल जलाल। वो है रहबर ओ तरक्की ओ कमाल, रहमत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे ने जो है वो कौमी तराना सुनाया। हमारे अक्सर अगर हम किसी बड़े से सुन लेंगे तो उसको कौमी तराना नहीं आता होगा, क्योंकि बचपन में असेंबली होती थी तो हम वहाँ पर जो है वो ये कौमी तराना पढ़ते थे, लेकिन आजकल जो है ये, मैंने ये भी सुना है कि अब स्कूल में ये ट्रेंड भी ख़त्म होता जा रहा है। असेंबली का एक मैनर्स होते थे, एक जिसे कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता था असेंबली में जाना, क्योंकि कुछ चोर स्टूडेंट्स होते थे जो क्लास में छुप जाते थे, वो असेंबली में नहीं जाते थे। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। सजाद। आपका? कामरान। क्या करते हैं आप? Both of us we working with teachers now. As a teacher आप जॉब? हाँ, टीचर। तो
आपने आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है कि आई नो मैं ये क्वेश्चन करूंगी तो आप कहेंगे कि शायद एक बड़ा बेवकूफाना क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट स्कूल बेटर है या प्राइवेट स्कूल बेटर है। आप बताएं कि किस लिहाज से अच्छे थे, क्योंकि मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा स्कूल जो है वो बेटर है? ऑब्वियसली प्राइवेट एजुकेशन बेटर है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, टीचर क्वालिफाइड हैं, वहाँ लुक आफ्टर ज़्यादा की जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अगर वो सर्विसेज अच्छी नहीं देंगे तो पीपल वॉन्ट पे देम, तो वो इट्स अ गिव एंड टेक। इफ़ यू आर पेइंग अ लॉट यू कैन हैव बेटर सर्विसेज, स्पेशली इन थर्ड वर्ल्ड लाइक आवर कंट्री पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जिस स्कूल की आप बात करें, बहुत लोग डरते हैं कि यहाँ पे बिगड़े हुए बच्चे आते हैं और इवन दैट कि वो अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने कोई लिंक्स निकाल लेते हैं कि हमारे बाबा यहाँ है, हमारी फैमिली, हमारे चाचा ताया मामा पॉलिटिशियन है, ये हैं वो। आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? देखिए ये इट हैपन्स एवरीवेयर, पूरी दुनिया में ये होता है। People are good, people are bad. It depends upon their own family background, their intention. अलग अलग लोग वहाँ कोयले की कान में से हीरा निकाल दें और हीरों में से कोई पत्थर निकाल दें, टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हर जगह आपको मिक्सचर ब्लेंड मिलेगा। लेकिन जो टीचर्स हैं उनका जॉब तो है पूरी नेशन को प्रिपेयर करना, दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। सो आपकी अपनी स्कूलिंग कहाँ से थी? मेरी भी प्राइवेट स्कूलिंग थी, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर में भी पढ़े हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में आई थिंक ये हमारे पास रावियन है, ये बता सकते हैं? हाँ, मेरी सारी प्राइवेट है, मैं गवर्नमेंट प्राइवेट से हूँ, लाहौर से हूँ, उसके बाद प्राइवेट स्कूलिंग सारी। कॉलेज की तो बिल्डिंग इस कदर खूबसूरत है, इतनी हिस्टोरिकल है, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत फ़र्क है, लेकिन स्टूडेंट के बिहेवियर्स में आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है? वी कैन ट्रीट आवर स्टूडेंट्स इन अ प्राइवेट स्कूल इन अ बेटर वे देन द ट्रेनिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल। We have experienced the students of both government and private sector. The training, the culture, the behavior, the manners, the treatment is far better in private schools than in government school. Respect जो एक teacher को मिलनी चाहिए वो private school में मिलती है? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। हमें जब parents मिलते हैं, किसी mall में जाते हैं, market में जाते हैं, हमें अगर किसी के घर जाने का इत्तेफाक हो, तो जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो फार मोर बेटर है देन कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में होते तो या गवर्नमेंट जॉब में होते तो। आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी बेहतरी आनी चाहिए? बिकॉज वी आर नॉट सेम ना, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, तो आपको लगता है कि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट में बेहतरी क्या आनी चाहिए? आ सकती है। देखें, गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। तो ये तो मैंने, आपने इंडिविजुअली खुद अपना पार्ट प्ले करना है, ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है हम कुछ ना कुछ लोगों के लिए भी करें, एज वी डूइंग आवर ओन सेल्फ फॉर आवर किड्स फॉर फैमिलीज। ऐसे एक रोटी अगर खुद मैं अपने लिए खा रहा हूँ तो एक किसी और को भी शामिल कर लूँ। इसी तरह अखलाकियात में, तालीम में, गाइडेंस में कुछ वॉलंटियर करना चाहिए। आपका क्या मैसेज आप जो पेरेंट्स को देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, फाइनेंशियली, फिजिकली, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेंट्रेशन से, ताकि बच्चे की बेहतर से बेहतर ग्रोथ हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने देखा इन्होंने बात की और ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और इनका कहना यही है, क्योंकि आप जब खुद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े होते हैं तो आप यही कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जाएँ, ऐसे करें, वी आर बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी हमारी जो पाकिस्तान, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो स्कूल्स नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट स्कूल को बेटर करें। ये टीचर्स जो हैं इनको भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी हम इंसान हैं, बाकी लोग भी चाहते हैं कि हमें भी वो तालीम मिले जो प्राइवेट स्कूल में मिलनी गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी अपनी ख्वाहिश भी होगी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल इतने बेहतर हो जाएँ कि लोग खुशी से अपने बच्चों को भेजें, कि एक तो उनके पैसे नहीं लग रहे, उधर से भी बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे, बहुत सारे ज़हीन बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से ही निकलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और लोग भी यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? ज़िमल। ज़िमल कौन सी क्लास में? ज़िमल फोर। ज़िमल आप सामने देखें, ज़िमल मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? मैं CSS करना चाहती हूँ। वेरी नाइस। आप सर्व करना चाहती हैं अपनी कंट्री को? यस। अच्छा, ठीक है। आप ये भी चाहती हैं कि आप इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मेरे लिंक्स बनेंगे, मैं एक ऑफिसर बन जाऊँगी? नो, एक पॉजिटिव वे में देखना चाहती हूँ कि आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। सही है।
चले मुझे बताएं आज आपका प्लान बना है, आप यहाँ पर आई हैं, इंजॉय कर रही हैं? यस वेरी मच वेरी मच। सवाल है हमारा एक कॉमन सेंस का, एक एक बंदा है जो कि रोज़ लोगों की पॉकेट्स भी कट करता है और उनके कॉलर्स भी कट करता है, यानी जेबें भी काटता है और कॉलर्स भी काटता है, गले काटता है, लेकिन उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, क्यों? कौन है वो बंदा? ये पहेली है, रिडल है। जेबें भी काटता है और गर्दन भी काटता है। हाँ गले काटता है। पता नहीं। नहीं पता, चलें ठीक है कोई बात नहीं। आप कुछ सुनाना चाहेंगी? क्या सुनाऊँ? आप कुछ भी सुना, अगर आपको स्पीच आती है आप वो बता सकती हैं, अगर आपको कोई शेर आता है, मिली नगमा आता है, कुछ भी सुना सकती हैं, वट एवर यू वॉन्ट। सॉन्ग? दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरे जान मेरे सनम मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं मुझको बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो मेरी धड़कनों को समझो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी बच्ची थी, सॉन्ग सुना है, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मलिक तलाल। आपका क्या नाम है? दुआ। आपका? नौफिल। नौफिल, नौफिल आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में? फोर। आप? थ्री में। आप क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है दुबई में। दुबई में? आप लोग दुबई में ही होते हैं? अच्छा वेरी नाइस। पाकिस्तान आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा। वेरी नाइस, और ऐसा ही लगना चाहिए क्योंकि अपना मुल्क होता है, ऐसा ही है। पाकिस्तान में पैदा हुई। चले मुझे ये बताइए कि एक बंदा है, कॉमन सेंस का सवाल है, एक बंदा है जो लोग रोज़ लोगों की जेबें भी काटता है और गले भी काटता है, लेकिन लोग उसको पुलिस उसको नहीं पकड़ती। लेकिन वो तो एनिमल्स को काटता है ना, अगर हम दूसरे वे में देखा जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन एक और भी इसका जवाब है, लोगों के गले काटता है और जेबें भी काटता है। जलाल जो होता है? नहीं पता आपको, क्या आप सुनाएंगे मुझे बताएं? क्या इससे पूछें? ये आप दुबई में, आप दुबई की स्कूलिंग है ना आपकी? नहीं यहाँ पे आए हैं। अच्छा स्टडी के लिए कहाँ हैं? यहाँ पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान आए हैं, अच्छा आप कुछ सुनाएंगे, कोई पोइम आती है आपको, एक स्पीच आती है, कुछ आता है? कुछ सुनाओगी आप? क्या सुना? आपको कुछ आता है, कुछ शेर आता है आपको? शेर तो नहीं आता। क्या आता है? सॉन्ग आता है? सॉन्ग नहीं। सॉन्ग नहीं आता? वैसे मैं ब्लॉग बनाने हैं, यूट्यूब पे बनाओ। हाँ यूट्यूब पे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने? खराब हो गया वो। चलो जी, काम ही खराब हो गया। चले ठीक है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, मैसेज? नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने देखा बच्चों से बात हुई, और बच्चों का क्रेज़ हमेशा बड़े दिनों बाद मुझे नज़र आया है, लोग कोई बच्चा मिला मुझे कह रहे हैं ब्लॉग बनाना है। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग उनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा अजीम। सजिया? सिद्रा अजीम। सिद्रा अजीम, अच्छा सिद्रा आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपका नाम क्या है? ज़ारा अजीम। ज़ारा अजीम, ज़ारा कौन सी क्लास में है? टू। टू में। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं आप, अच्छा तो मुझे बताएं कि आप कोई काम भी करना चाहती हैं? आगे सोचा है, फ्यूचर में। फ्यूचर में सोचा है? सोचा जरूर है। क्यों नहीं, क्यों रुकी हुई है, बड़े आगे बढ़े इंशाल्लाह। 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पहले टीचिंग करती रही हूँ। नाइस, अरे नाइस। चरार जो है मैं करती रही हूँ। क्यों छोड़ दिया आपने? बच्चों के लिए भाई, ये गोइंग गोइंग है सारे, तो इंडिया से गए ना संभाले बच्चे, वो माशा खुद अपने बिजनेस मैन है, तो चले चले ये अच्छी बात है। जाहिर है औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मर्द हज़रात तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि औरत कुछ भी नहीं करती है, औरत बड़ी स्ट्रांग है। आप हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं वो कौन है जो रोज़ लोगों के गले भी काटता है और जेबें भी, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ती? गंजे। नहीं, गलत जवाब हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आपके नाम ज़ारा है ना? ज़ारा आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? टीचर। मामा की तरह? वेरी नाइस। अभी आप कुछ सुनाएंगी, कोई पोइम आती है आपको? पोइम तो आती होगी। तराना सुना दें। 14 अगस्त का दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, मिली नगमा सुना दें। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान।
जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां दिल की ऐसी ना जाना सना करती है ये रोशनी करता यह है ये क्या तमन वेरी गुड थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर टाइम व्यूअर्स आपने देखा कि हमारी इनसे बात हुई बच्ची ने मेरी नगमा सुनाया व्यूअर्स इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके लिए लेसन होते हैं बहुत सारी बातों का आपने सीरियस भी नहीं लेना कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी लाइफ में मिल जाते हैं जो नेगेटिविटी पिलाते हैं मेरे अपने अक्सर शो में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि लोगों का जो है ना वो थोड़ा सा माइंड चेंज कर देते हैं लेकिन आपने इस शो को एंटरटेनमेंट की हद तक और पॉजिटिविटी की हद तक देखना है क्योंकि हमारा काम ये है कि हम सबको पॉजिटिव करें इंजॉय करवाएँ और सबको एंटरटेन करें आज का जो हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल था वो कौन सा ऐसा बंदा है जो कि लोगों के गले काटता है और जेबें भी काटता है लेकिन उसको पुलिस नहीं पकड़ती है इसका सही जवाब है दर्जी दर्जी से हमारी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं हम बड़ा लड़ते हैं दर्जी से स्पेशली लड़कियाँ और अगर वो हमारा सूट टाइम पे ना सी के दे तो दिल चाहता है कि बस दर्जी हो और हमारे हाथ में एक पिस्टल हो तो हम इसी तरह आपके लिए प्रोग्राम्स लाते रहेंगे इंटरटेनमेंट से भरे हुए सवालात भी लेकर आते रहेंगे आपने प्रोग्राम हमेशा की तरह देखना है भूलना नहीं है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर मैं आऊँगी अगले एपिसोड में एक नया सवाल लेके नई लोकेशन लेकर फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़